अब आप सर्दी में जितनी मर्जी धूप का मजा उठाएं, आपका रंग प्याज की तरह ब्राउन नहीं होगा। जी हाँ, क्योंकि सर्दी में अक्सर लोगों का रंग तेल या पेट्रोलियम जेली लगाकर धूप में बैठने से प्याज की तरह ब्राउन हो जाता है और लोग परेशान होते हैं क्योंकि धूप में जाएं तो रंग खराब और ना जाएं तो तबीयत खराब। लेकिन आज की ये वीडियो देखने के बाद आपकी ये परेशानी बिल्कुल खत्म होने वाली है। अगर आप भी सर्दी में धूप का लुत्फ उठाने के साथ साथ रंग खराब होने से बचना चाहते हैं तो वीडियो को हरगिज स्किप ना करें, बल्कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलें दोस्तों, अब आपको आपकी परेशानी का हल बताते हैं। सर्दी के मौसम में अक्सर लोग धूप में बैठना पसंद करते हैं। सर्दी में जिस्म पर खुश्की की वजह से लोग तेल, लोशन या पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से रंगत खराब हो जाती है और ऐसा लगता है कि शायद आपने भी प्याज की तरह अपनी स्किन को सूरज की तपिश का तड़का लगा दिया हो। अगर आपकी जेब आपको रंग साफ करने वाले महंगे प्रोडक्ट्स की इजाज़त नहीं देती तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब हम आपको चेहरे का रंग दूध जैसा साफ और शफाफ करने के लिए तीन इंतहाई सस्ते और आसान घरेलू टोटके बताएंगे, जिनके इस्तेमाल से आपके चेहरे की रौनक वापस लौट आएगी, बल्कि फैमिली और दोस्तों में भी आपके हुस्न के चर्चे होंगे। अगर आपका रंग धूप की वजह से खराब हो गया है तो परेशान ना हो, सिर्फ दो खाने के चम्मच दही में एक नींबू का रस शामिल करें और इस आमेजे को सुबह और शाम चेहरे पर अच्छी तरह मलें और कुछ देर लगा रहने दें और फिर सादे पानी से चेहरा धो लें। आपका चेहरा फूलों जैसा तरोताजा हो जाएगा। धूप की शिद्दत से अगर रंग बहुत ज्यादा जल गया हो तो भी परेशान ना हो और सिर्फ एक चम्मच जौ के आटे में दो चम्मच दही शामिल करके आमेजा बना लें। फिर इस आमेजे में सिर्फ एक चम्मच खीरे का रस निचोड़ कर शामिल कर लें। इस पेस्ट को चेहरे और हाथों पर अच्छी तरह मलें और 30 मिनट तक लगा रहने दीजिए। 30 मिनट के बाद मुंह हाथ साबुन से धो लें। अब आपका चेहरा ऐसे लश्कारे मारने लगेगा जैसे किसी महंगे पार्लर से फेशियल करवा लिया हो। चेहरे की जल्द को मुलायम और चमकदार बनाने के लिए हम वजन मकई और जौ के आटे को गर्म पानी में भिगो दें और कुछ देर भीगा रहने दें। फिर हाथ से मलकर मुलायम कर लें और इस मिक्सचर में आधे नींबू का रस शामिल करके चेहरे और गर्दन पर मल लें। इसके ड्राई होने पर हाथों से आहिस्ता आहिस्ता मलकर इस मिक्सचर को उतार दें और नीम गर्म पानी से चेहरे को धो लें। ये आपका रंग भी निखारेगा और जल्द को नरम और मुलायम भी बना देगा। तो दोस्तों, अब बेफिक्र होकर धूप का लुत्फ उठाएं, आपका रंग बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और टिप्स आजमाने से पहले वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाएं। और ऐसी जबरदस्त और मुफीद वीडियोस के लिए हमारे पेज का विजिट करना हरगिज ना भूलें। मिलते हैं किसी नई और दिलचस्प वीडियो के साथ।